हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं। ये इसका लास्ट टॉपिक है। अब तक हम कर चुके हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन फैमिली। अब हम करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन कम्युनिटी लाइफ, कि कम्युनिटी लाइफ पे कैसे पॉपुलेशन का प्रभाव बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो कम्युनिटी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। अब कम्युनिटी क्या होती है? हमारे आजू बाजू हमारी जो सोसाइटी है, हमारे आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं, वो हमारी कम्युनिटी है। ओके, लाइक फैमिली लाइफ, जैसे फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया, वैसे ही कम्युनिटी लाइफ को भी पॉपुलेशन ने डिस्टर्ब किया। ओके, कम्युनिटी लाइफ हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ लेड टू ओवर क्राउडिंग एवरीवेयर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे पॉपुलेशन ने फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब किया है, कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बन गई हैं। ठीक है, अब लोगों बच्चों के पास प्रिकॉशंस नहीं होते, जॉइंट फैमिली जैसे दादा दादी का प्यार नहीं मिलता। ठीक है, इसी तरह कम्युनिटी लाइफ को भी बहुत डिस्टर्ब किया है। बहुत सारी भीड़ भाड़ रहने लगी है, चारों तरफ क्राउडेड होने लग गया है सब कुछ। ठीक है, लिविंग स्पेस हैव बीन बिकम इनएडुकेट एंड देयर इज़ लैक ऑफ ओपन स्पेसिस फॉर अदर सोशल एक्टिविटीज़। अब रहने की जगह तो कम हो ही गई है, मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि खुला खुले मकान हो, बहुत भीड़े भीड़े से आपको बहुत छोटे छोटे से कंजस्टेड से घर मिलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपके हुए। अगर शहरों में देखो तो एक दो पार्क हो सकती हैं, अदरवाइज़ बच्चों के खेलने के लिए भी ओपन स्पेस भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब सोशल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं। पहले सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, जैसे इस टाइम पर जो हमारा दशहरे का टाइम पीरियड होता था, इसमें बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। कोई मेले लगते थे कहीं पे, वो रामलीला टाइप की चीज़ें होती थी, तो बहुत सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। अब ऐसा नहीं होता सोसाइटी में, इतने क्राइम बढ़ गए हैं कि बच्चों की सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, उसके बाद आ रहा है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटाइजेशन इन हाउस एंड सराउंडिंग हैव इंक्रीज। अब क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई है और इस टाइप की डिजीज़ आने लग गई हैं, वायरस आने लग गए हैं, तो क्राउडेड एरिया में सैनिटाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है, उसकी भी प्रॉब्लम पॉपुलेशन के कारण ही आई है। अगर थोड़े ही जने होंगे, थोड़ी पॉपुलेशन होगी, तो उसकी सैनिटाइजेशन की और हेल्थ की फैसिलिटी की अच्छे से देखभाल हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ओके, ऑल सच कंडीशंस आर लीडिंग इन इंक्रीज्ड इंसिडेंट ऑफ ट्रांसमिनेशन ऑफ डिजीज़। अब होता क्या है कि बहुत सारी साफ़ सफाई नहीं होती, तो जो इस टाइप की डिजीज़ हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस है, तो साफ़ सफाई अगर हम करें, बार बार हैंड सैनिटाइज करें, तो वो ना फैले, लेकिन इस टाइप की चीज़ें नहीं हो पाती, इसीलिए वो ट्रांसमिशन होता रहता है डिजीज़ का, और वो एक से दूसरे में फैलती रहती है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज प्रेशर ऑफ लैंड एज रिजल्ट इन लैक ऑफ ओपन स्पेस एंड प्लेस प्ले फील्ड फॉर फिजिकल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन। वो कह रहे हैं कि जैसे खुले मैदानों की कमी हुई है, भीड़ भाड़ हो गई है, तो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की कम हो गई है। अभी भी आप देखो कि कोरोना के चलते या वैसे भी, नॉर्मली फिज़िकल एक्टिविटी के लिए बच्चे बाहर कहाँ निकलते हैं? स्कूल से आए, ट्यूशन पे चले गए, ट्यूशन से आए, टीवी में घुस गए, या फिर फ़ोन में अपना कुछ गेम खेलने लग गए, या कंप्यूटर में कुछ करने लग गए, तो मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चे करना बंद कर चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द सच एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर स्पेंडिंग द पेंट अप एनर्जीज ऑफ यूथ, द यूथ ऑफन इंडल्ग इन अनसोशल एक्टिविटीज़। देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट एन आइडियल माइंड इज़ द डेविल वर्कशॉप। ये बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज़ है। जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हमारे शरीर भी थोड़ा सा थक जाता है, और जब हम थक जाते हैं, तो ऑब्वियस है बच्चे का माइंड एकदम से, ये मान लो कि बड़ी चैन की नींद आती है। हम थोड़ा सा भी फिजिकल वर्क करें, तो आप सोचेंगे कि अरे आज तो बहुत थक गए हैं, बहुत अच्छी नींद आएगी। अब क्योंकि फिजिकल वर्क बच्चों के पास नहीं रहा, तो उनका खाली दिमाग है, एन आइडियल माइंड। खाली दिमाग क्या होता है? डेवल की वर्कशॉप होती है, यानी कि वर्कशॉप होती है, मतलब कि खाली दिमाग शैतान का घर, वहाँ कुछ ना कुछ उल्टे उल्टे दिमाग में विचार आते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी, जो आज की कम्युनिटी में मिसिंग है। अगर सोशल एक्टिविटी होती है, तो बच्चे का माइंड, आप कह रहे हो, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और वो फिर अपने कामों पे भी ध्यान दे सकता है, और उसकी जो दिमाग है, वो किसी दूसरे गलत काम में नहीं जाता। देयरफॉर चिल्ड्रन आर बॉर्न टू डू समथिंग।
Therefore, to keep the young busy in healthy physical activities, playgrounds are necessary, but such provisions are fast dwindling due to our population. वो कह रहे हैं कि बच्चे को हमें आजकल की खासकर यंगस्टर को हमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ देते रहना चाहिए ताकि उसका दिमाग जो है उसमें मतलब उसका माइंड जो है वो बिज़ी रहे, उसे हमें बिज़ी रखना चाहिए और ये रखना पड़ेगा तभी जाकर हमारी ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है ये कम होंगी. ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं प्रेशर ऑन लैंड, लैंड पे बार बार प्रेशर की बात आ रही है, तो प्रेशर ऑन लैंड का मतलब आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन बढ़ गई है उस पे ज़मीन पे एग्रीकल्चर के लिए भी प्रेशर बढ़ गया है और जो अदर फैसिलिटी है जैसे बिल्डिंग बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स बन रहे हैं, इन सब के लिए भी लैंड के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है. ओके, प्रेशर ऑन लैंड हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक क्लब्स, कम्युनिटी हॉल्स एंड फैसिलिटीज़ फॉर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. जैसे ही जनसंख्या बढ़ी है, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे ही जो हमारे कम्युनिटी क्लब्स होते थे, जैसे पहले टाइम में बहुत सारी इस टाइप के क्लब्स होते थे, जैसे लेडीज़ किटी पार्टी करती है, इस टाइप से ग्रुप्स बने होते थे और वो आपस में अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या उन्हें कदम उठाने वो सब सोचते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी, हर टाइप के फेस्टिवल को बहुत अच्छे से आप कह सकते हो कि मनाया जाता था. अब ऐसा कुछ नहीं रहा है. ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ सच फैसिलिटीज़ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिटीज़ हैव बिकम लेस. अब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कम्युनिटी बेस पे नहीं होती हैं, सब अपने घरों में ही मनाना पसंद करते हैं. पहले जैसे गणपति का महोत्सव होता था ना, तो गणपति पूरी कॉलोनी का एक गणपति होता था. ठीक है, अब क्या करते हैं कि सब अपने अपने घरों में छोटे छोटे गणपति ले आते हैं, सब सेपरेट हो गए हैं. पहले कोई भी फेस्टिवल होता था, वो फेस्टिवल पूरी पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर, कम्युनिटी एक साथ मिलकर मनाती थी. ठीक है, अब सब अपने आप सेपरेट सेपरेट करते हैं. दस द सोशल बॉन्ड ऑफ पीपल हैव वीकेंड. अब सोशल बॉन्ड जो है लोगों का वो कम हो गया है. सोशल बॉन्ड इन द सेंस जो उनमें आपस में कोऑपरेशन था, जो आपस में वो एक साथ मिलकर काम करते थे, जो उनकी सोसाइटी में दिखता था अपनापन दिखता था, आप कह सकते हो ब्रदरहुड की जो भावना दिखती थी, वो सब कुछ अब ख़त्म हो गई है. ठीक है, इन द पास्ट स्मॉलर कम्युनिटीज़ प्रोवाइडेड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप्स, गॉसिप्स, फेस टू फेस मीटिंग एंड द लोकल प्राइड. अब पहले टाइम में क्या होता था कि लोग एक दूसरे से मिलते थे, दिन भर काम करते लेकिन शाम को इकट्ठा होते थे, गप्पे शप्पे मारते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, इस टाइप की हंसी मजाक करते थे. अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो दो फैमिली के मेंबर है वो भी आपस में बात नहीं करते, वो भी एक अलग फ़ोन लेके बैठा है, दूसरा अलग फ़ोन लेके बैठा है, बच्चे अलग अपने लैपटॉप लेके बैठे हैं. ठीक है, तो अब तो उनमें भी आपस में बात नहीं होती. अगर घर में तीन फैमिली मेंबर है तो तीनों के पास अपना अपना ये सोशल नेटवर्किंग का ये वाला सोर्स है जो अब अपने हाथ में है, अदरवाइज़ वो आपसे आपस में बात भी नहीं करते. किसी से आप पूछो कि आपने फ़िलहाल से बात की थी, हाँ की थी, कब की थी, व्हाट्सएप के थ्रू की थी, वैसे कभी बात नहीं होती है, व्हाट्सएप के थ्रू हाय हेलो गुड मॉर्निंग ओके हो जाता है. ठीक है, तो ये सब भी स्ट्रेस डालता है माइंड पे. ओके, सच अपॉर्चुनिटी विच आर एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ हैव डायमेंशन हाउ सॉरी हैव डिसमिस्ड विद द ग्रोथ इन पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ लार्ज कम्युनिटीज़. वो कह रहे हैं कि इस तरह के जो पहले होते थे ना गप्पे शप्पे मारने, वो हमारी सोशल लाइफ के लिए बहुत अच्छे होते थे. ठीक है, लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है तो इस टाइप की चीज़ें कम हो गई हैं, सब अपने अपने में सेपरेट रहने लग गए हैं. स्मॉल कम्युनिटीज़ ऑफ द पास्ट वर आलमोस्ट सेल्फ कॉन्टेंड एंड लेड ए कंटेंड लाइफ. ठीक है, बट इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ शटर्ड स्मॉल कम्युनिटीज़ एंड हैज़ फोर्स पीपल टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन लार्ज कम्युनिटी. वो कह रहा है कि आजकल जो छोटे छोटे कम्युनिटीज होती थी ना, मतलब पहले जो छोटी छोटी कम्युनिटीज होती थी पास्ट में, वो अच्छी होती थी, उसमें लोग एकदम शांति से अपना जीवन जीते थे. परंतु जैसे ही पॉपुलेशन के इंक्रीज़ हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है. अब जो इंसान है वो क्या करते हैं, बड़ी कम्युनिटी में रहते हैं और बड़ी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है हर तरह से, चाहे उन्हें कितना ज़्यादा पैसा अर्न करना पड़े, पर जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसमें अपनी इमेज बनाने के लिए वो हर तरह के काम करते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके लिए क्या हो रहा है कि लोग एक तरह से माइग्रेट हो रहे हैं. दस देयर हैज़ बीन ए माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ एंड सिटीज़ टू टाउन
एंड वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं गांव से शहरों में, शहरों से कस्बों में, आप कह सकते हो टाउन्स में, मेट्रो सिटीज़ में, और फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं। अब जैसे अपने यहाँ बिहार से, यूपी से, राजस्थान से बहुत सारे माइग्रेट आए होते हैं, वो किस लिए आए हैं? उनकी अपनी ज़रूरतें हैं जो वहाँ फुलफिल नहीं हो रही हैं, अर्निंग ज़्यादा करनी है, इसीलिए वो वहाँ से काम छोड़कर यहाँ पे आते हैं ताकि अर्निंग ज़्यादा हो और उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। ओके, लार्जर कम्युनिटीज हैव बीन पीपल मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ स्टेबिलिटी एंड एक्सपोज टू वैरिड कल्चर दिस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी लाइफ इज़ चेंजिंग। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़ी जो कम्युनिटी में जो भी इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक अपना स्टेटस अपर करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं। इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि सभी, जब आप शहरों में देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग, कोई साउथ से आया हुआ है, मतलब कोई केरला का है, अपने यहाँ भी जो नर्सेज वगैरह हैं कोई साउथ से आई हुई है, कोई नॉर्दर्न इंडिया की है, कोई ईस्टर्न इंडिया से आए हुए नेपाली लोग हैं, मतलब नेपाली जैसे लगते हैं वो लोग हैं, तो उन सब में उनके कल्चर जो है आपस में मिक्स होता है, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। अगर अब आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं गणेश चतुर्थी का ही, तो वो महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता था, पर अगर आप देखो अब आपके रोहतक में भी हर गली मोहल्ले में इस तरह से गणेश जी का फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। अब गरबा है, डांडिया है, वो गुजरात वगैरह के बजाय अपने यहाँ भी मनता है। ओके, बैसाखी है, वैसा नहीं ना सिर्फ पंजाब में मनती है, बहुत सारी जगह पे बैसाखी और ये लोहड़ी वगैरह के फंक्शन मनाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह कम्युनिटी में भी आप ये कह सकते हो कि कल्चरल एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ मिक्स हुई हैं, अगर जनसंख्या बड़ी है और कम्युनिटी में सब एक साथ मिलते हैं, तो ये जो आप कह सकते हो कि ये जो कास्टिज़म है ये सब थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। चलिए, और वो कह रहे हैं कि समुदायों के, मतलब कम्युनिटी का जो एक, जो कम्युनिटी की रियल कैरेक्टर था ना, वो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब एक कम्युनिटी में कोई एक ही पर्टिकुलर कास्ट के या एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, उनकी बोलियाँ अलग हैं, फिर भी वो एक साथ मिलकर रहते हैं। ओके, अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है, मैं इसके क्वेश्चन आंसर की PDF आपको ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, ठीक है, उसे कर लीजिएगा। थैंक यू।